हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बड़े होंगे। मैं भी मस्त हूँ। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने खेतों से। और अभी टाइम हो रहा है 8:25 हो चुके हैं और मैं आ रखी हूँ अपने खेत में घास लेने। घास वगैरह मैंने निकाल दिया है, अब मैं चलती हूँ घर। मैंने 1 घंटे में घास निकाल दिया पूरा। तो अब देख सकते हो मैंने घास वगैरह लगा दिया है, मैं चलती हूँ। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात बोलना चाहती थी कब से। मैं सोचा बोलूँगी लेकिन मैं भूल जाती हूँ, लेकिन अभी मेरे को याद आ गया तो मैं बोल रही हूँ अभी। जैसे कि आपको पता है कि पहाड़ों में तेंदुए वगैरह घूम रहे हैं, तो क्या है ना, ये तेंदुए तो घूमते ही रहते थे लेकिन ये हमला वगैरह करने लग गया इंसानों पर। तो आप सभी से भी यही विनती है मेरी कि आप भी खेत जाए तो अकेले ना जाएं, 3-4 लोग साथ में जाएं। घास वगैरह जाना है तो साथ में जाएं, अकेले मत जाना। अपने बच्चों को भी संभाल के रखो, लापरवाही ना करो। और जानवरों को तो खैर वो खाता ही है, ये तो उसका काम ही है। 2-3 जगह ऐसा हो चुका है, ऐसे केस आ चुके हैं। जैसे कि चौरास में आपने सुना ही होगा, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है। चौरास में भी एक लेडीज़ पे हमला किया था उन्होंने, शायद नहीं खाया था उस लेडीज़ को। और यहाँ गौसिल में भी एक लड़के को घायल किया। तो तेंदुए आजकल बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, तो आप सब भी अपनी सुरक्षा स्वयं करें। क्योंकि हम जैसे कि अगर वो आप पे हमला कर दे, हम थोड़े ना आएंगे आपको बचाने। आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। और अपनी सुरक्षा करनी है कैसे करनी है, मतलब साथ जाए, अकेले ना जाएँ। ये मत समझना कि अरे नहीं है तेंदुए जंगल में, अभी अभी तो खैर धूप आ गई, 10 बज गए, ये हो गया, टाइम बहुत हो गया, उसका कोई भरोसा नहीं है। वो कब आ जाए, कब क्या कर दे, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए ना साथ में जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए। अभी मैं भी अकेले ही आई हूँ, पर मुझे डर भी नहीं लगता। लेकिन यहाँ थोड़ा पास में गांव दिखता है तो, लेकिन मैं पास ही में आई हूँ। फिर भी आप भी ऐसी लापरवाही ना करें। मैंने तो खैर लापरवाही कर दी, लेकिन आप ना करें। आप ये सोच रहे हैं कि ना हमें बोल रही है, खुद नहीं कर रही है, लेकिन मैं आज ही आई हूँ, लास्ट बार, अब नहीं आऊँगी मैं। अब मेरे को भी डर लगने लग गया तेंदुए से, क्योंकि मैंने सुना है ना हमारे आसपास आ ही गया है, तो क्या पता कब आ जाए, हमें भी थोड़ा ना पता चलेगा। तो दोस्तों, मैं घर पहुंच चुकी हूँ और फिर आज मतलब ये दाल फिर सुखाने के लिए डाल रखी है, इसको कूटेंगे शाम को। और अभी नाश्ता वगैरह करती हूँ, उसके बाद जाना है फिर दोबारा खेत में घास लेने, क्योंकि मम्मी काम पे चले गई है, तो घास मेरे को ही लाना पड़ेगा। बाकी अभी मैं अपने कपड़े वपड़े धो देती हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत कपड़े हैं मेरे, तो उन्हें धो देती हूँ, उसके बाद जाऊँगी घास दोबारा। तो गाइस, हम सो के भी उठ चुके हैं, 4 बज चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो मेरे घर में फूल लगे हुए। तो दोस्तों, देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे फूल हैं, हमेशा लगे रहते हैं इस पौधे पे। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो गाइस, सब बनाते हैं, चाय चाय पीते हैं, फिर उसके बाद जाना है घास लेने, घास निकालने जाना है। शायद आरती जाएगी मेरे साथ, अभी शाम को जाएंगे हम घास लेने दोबारा। दोबारा नहीं, हाँ दोबारा। तो गाइस, अभी जाएंगे हम घास लेने, मैं और आरती। शायद आरती जाएगी, उसे पता नहीं है, अभी तो सो रखी है वो, लेकिन जा सकती हो, क्योंकि एक इंसान की घास से नहीं होता ना, क्योंकि हमारे पास गाय है, दो भैंस हैं, बहुत खाती हूँ घास। तो अभी जाएंगे हम शाम को 5 बजे तक, अभी तो खैर धूप है। तो गाइस, देख सकते हो अब गाय, ये अभी कहीं जा रखी थी पूजा में, इसी ने ले जा रखा था। ये देखो, मारने के लिए कर रही भाई, मेरे को मारेगी पक्का। ये देख ले इसको, पिटी करेगी मेरी, मारना दे। अच्छा, इसको ऐसे मैं अच्छा लगता शायद, मैं इसको ऐसे ऐसे करती हूँ ना, तभी अपना सर ऐसे करती हूँ। वाह भाई, पिटी करेगी, पिटी, गुस्सा हो गई है। गाइस, आप देख सकते हैं अनुज पढ़ाई कर रहे हैं, मम्मी बैठी है, मम्मी
टीवी देख रही है। और गाइस आरती काम कर रही है अपने स्कूल का, देखते हैं उन्हें सो चुका है, इसका कल पेपर है, पढ़ाई नहीं कर रहा। पास हो गए दिखाऊंगा तुम। तो गाइस कहीं पे मुझसे गलती हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तब तो मुझे पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे गलत बोला है, तब तो मैं उस गलती को सुधारूंगी। तो यहीं पे अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं, आई होप आपको पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।